हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर में जिस रूल को हम लोग फॉलो करते थे, बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करेंगे यहाँ क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हम लोग प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट आउट ऑफ क्लास, मतलब क्लास से बाहर हम लोग प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ पब्लिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। लेकिन ऐसा नहीं था, स्ट्रक्चर में सारे डेटा को हम लोग क्लास के बाहर, सॉरी स्ट्रक्चर के बाहर से एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, यहाँ सिर्फ ध्यान आपको इतना ही देना है कि प्राइवेट में ये जो डाटा मेम्बर्स हैं वो इंट आईडी, कैर, नेम है। पब्लिक में मैंने इंट ए लिखा हुआ है और दो फंक्शंस हैं मेरे। ओके, तो एक्चुअली इसको, ये भी एक डाटा मेम्बर है और ये दोनों क्या है, ये दोनों है मेंबर फंक्शन। ओके, ये दोनों डाटा मेंबर है और इंट ए भी एक डाटा मेंबर है, और ये दोनों जो दो फंक्शन आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है, मेंबर फंक्शन है, और ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये क्लास नेम है। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्लास के मेंबर को यूजिंग ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, STU1। ओके, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और डाटा मेंबर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और मेंबर फंक्शन लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है STU1.A जो कि हमारा डाटा मेंबर है पब्लिक में। उसी तरह STU1.GetData जो कि मेंबर फंक्शन है पब्लिक में। इसी उसी तरह STU1.Display जो कि है मेंबर फंक्शन पब्लिक में। एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ सिर्फ आप पब्लिक में जो भी डेटा है उसी को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट मैंने पहले ही बताया है, फिर बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट हम लोग प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं STU1 डॉट, यहाँ प्राइवेट डेटा हमारा क्या है, आईडी डॉट आईडी, तो आप प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत होगा, ये एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्राइवेट डेटा को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यूजिंग दिस फंक्शंस आप प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग मेंबर फंक्शन का एक टॉपिक करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पब्लिक में जो आपका फंक्शन है उसके द्वारा आप प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, फिलहाल इतना जानिए कि एक्सेस क्लास मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट कैसे किया जाता है जो कि पब्लिक में हो, यानी कि जो भी पब्लिक में डेटा मेंबर है फिर मेंबर फंक्शन है उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, इस तरीके से हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं पब्लिक के मेंबर एक्सेस करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।